Hello and welcome friends, स्वागत है आपका कंप्यूटर इंडेक्स सॉल्यूशन चैनल पर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गूगल शीट, और गूगल शीट में वो कई सारे हम कंडीशंस वाले फॉर्मूले देखेंगे और इसके साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखेंगे. यहाँ पर मेरे पास बना बनाया एक रिकॉर्ड है, मैं इसी रिकॉर्ड को लूंगा और इसी रिकॉर्ड पे आपको कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ. तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से कर सकते. ये रिकॉर्ड बना हुआ, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये डेट है, इस डेट पे इस एम्प्लॉय ने कुछ सामान सेल किए हैं. और कौन सा एम्प्लॉय है, यहाँ पे देखिए नाम लिखे हुए उन एम्प्लॉयज के, और उनका जेंडर क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन इसमें जेंडर मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ उसका कोड मेंशन है कि एम से मेल होगा और एफ से फीमेल होगा. ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पे, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे. और ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो अब आइए बात करते हैं इसको टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहां पे रखेंगे कर्सर को, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में भी हम इज इक्वल टू लगाते थे, आपको याद है. ठीक है, अब कितना प्राइस है, प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिए. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट प्राइस, देन यहां पे इनटू का साइन लगाइए जो 8 नंबर बटन पे आपको मिल जाएगा. फिर यूनिट को सेलेक्ट कीजिए, देन आपको करना है एंटर. तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होकर आ चुका है. ठीक है, और यहां से इसको ड्रैग करवाइएगा तो सारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ. अब यहाँ एम्प्लॉय की सैलरी है, तो सैलरी को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. ठीक है, 9000. ओके, तो अब हमको क्या करना क्या है वो समझना है. ठीक है, हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया है, देख सकते हैं आप ये टोटल हमारा आ चुका है. हमें करना क्या है, सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं. ठीक है, इफ देखिए अभी मैं इफ नहीं लगा रहा, अभी मैं डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, और ये है ग्रेटर देन का साइन. ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, मैं यहां पे लिखता हूं, फॉल्स के फॉर्म में आएगा. देखिए ये ग्रेटर देन है या नहीं, ग्रेटर देन है तभी तो यहां ट्रू आया है. इसको ड्रैग करवाइए, जैसे ड्रैग करवाएंगे तो सारे ग्रेटर देन है. ठीक है, यहां पे कंडीशन मैं चेंज करता हूं. ठीक है, एफ टू प्रेस करता हूं तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा. और यहां पर अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, ग्रेटर देन 9000 और 8500, ग्रेटर देन 8500. यहां पे एंटर करता हूं तो ये देखिए ये फॉल्स हो गया, देख रहे हैं ये सारे. अब इसमें देखिए कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, आप देख सकते हैं जो भी 8500 से ज्यादा होगा वो ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे. तो यहां देखिए ये 9000 है, 9000 तो ये ट्रू है, और फिर 8700 ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है. ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें हम कुछ इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे, F2 करते हैं ताकि ये फॉर्मूला एडिट हो जाए. अब हम इसमें इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यहां देखिए 8500 यहां पे लगाया हमने. यहां पे अगर हम डबल इंटेड कॉमा में कुछ देते हैं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, आइए देखते हैं. यहां पे मैं लिखता हूं डी, ठीक है, ये डी ग्रुप के कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, अगर इनकी सैलरी, यहां पे सैलरी को भी चेंज कर देते हैं, लगाइए आप. ठीक है, इफ लगा लिया हमने, और इफ दिस सैलरी इज लेस देन 6000 देन कॉमा डी ग्रेड, अदरवाइज इंप्लॉइज बिलोंग्स टू सी ग्रेड. ठीक है, ये कंडीशन हमने दी हुई है. इंटरप्रेस करता हूं तो यहां पे देखिए ये सी ग्रेड के जो स्टाफ है वो सी ग्रेड के हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी सैलरी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 6000. ठीक है, यहां पे मैंने कंडीशन क्या दी है, 6000 की कंडीशन दी है, लेस देन 6000. ठीक है, तो 6000 से लेस देन किसी का नहीं है. अगर यहां पे सपोज कीजिए इनकी सैलरी में 5000 कर देता हूं तो क्या होगा. ठीक है, तो यहां ये डी ग्रेड के स्टाफ बन जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से इसमें हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं. अच्छा, यहां पे जो हमने लगाया मेल फीमेल, इसकी पहचान हम एम और एफ से कर रहे हैं. ठीक, अब यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने एक कंडीशन तो यहां दे दी है. ठीक है, इफ का फॉर्मूला लगा करके ये कंडीशन दी हुई है, जिसके चलते ये इस तरीके से आ रहा है कुछ. तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम गूगल शीट पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, आइए अब बात करते हैं. यहां पर देखिए फॉर्मूले को मैं एडिट कर रहा हूं. ठीक है, यहां पे दिया हुआ इफ आई टू इज लेस देन 600. ठीक है,
अब मैं यहां पे करता हूं if i2 is greater than, मैं सिर्फ कंडीशन चेंज कर रहा हूं is greater than और equal to, ठीक है, is greater than और equal to दोनों लगाया मैंने, enter press किया तो यहां देखिए c grade अपने आप आ गया, देख सकते हैं आप, ठीक है, c grade और is greater than और equal to दोनों मैंने दिया है, इस वजह से अब देखिए यहां पे क्या दिया है मैंने, 6000 दिया हुआ है, देख रहे हैं, is greater than और equal to 6000, तो क्या हो, degrade हो जाए, तो यहां grade भी चेंज करना होगा हमको, यहां c grade होगा और यहां पे होगा degrade, ठीक है, तो ये अब enter press करता हूं मैं, तो यहां देखिए यहां पे आ गया degrade, अब इसको यहां से drag करवाइएगा तो ये अपने आप grades change हो जाएंगे, तो ये c grade दिखाने लगा, इस तरीके से हम multiple condition यानी कि इस तरह से अलग-अलग different type के conditions भी लगा सकते हैं, यहां पे हम टैक्स भी लगा सकते हैं, टैक्स भी लगा के मैं आपको दिखाता हूं अभी, पहले इसको मैं फॉर्मेटिंग कर दूं जरा, ठीक है, तो ये हो गया, और यहां से हम बॉर्डर बना सकते हैं, ये बॉर्डर, ठीक है, तो ये देखिए ये बॉर्डर्स लग गए हैं इस पे, ठीक है, अब हम इस पे टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स मैं यहां कहीं साइड में दे देता हूं, ठीक है, हमारा टैक्स छिपा हुआ है, तो इस टैक्स को हमें निकालना है, ठीक है, तो यहां एक कॉलम इंसर्ट करता हूं और यहां लिखता हूं टैक्स अमाउंट, तो टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पे, टैक्स अमाउंट, ओके, तो टैक्स अमाउंट यहां पे दे दिया हमने, और यहां से इसको जरा ड्रैग करके और थोड़ा बढ़ा लेंगे साइज, इज इक्वल टू ये पहले वाली वैल्यू, ठीक है, इनटू कितना टैक्स है, जहां भी टैक्स लिखा हुआ है वहां से हम उसको ले लेते हैं, यहां लिखा हुआ है यहां पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, यहां पे हमारी वैल्यू आ चुकी है, अगर एंटर करते हैं तो क्या होगा, यहां 44.8 आ चुका है, अब इसको ड्रैग करवाएंगे नीचे, ये देखिए ये सब जीरो हो जा रहा है, कारण क्या है जीरो होने का, यहां पे जब हम आते हैं तो हमारा टैक्स वाला वैल्यू जो है वो किस कॉलम में रखा हुआ है, यहां पे देखते हैं हम, ये देखिए ये हमारा कॉलम है, ठीक है, तो C 14 में रखा हुआ है, ठीक है, आइए देखते हैं इधर, यहां पर तो हम अगर करते हैं तो यहां देखिए इसको मैं एडिट करता हूं फार्मूले को, ये देखिए H2 * C14 है, ठीक है, यहां पे तो सही है, नीचे आते हैं, अब इसको एडिट करता हूं, इसको देखिए ये है H3 * C15, तो C14 में जो वैल्यू है वो C15 में कहां से मिलेगी, वहां तो जीरो रखा हुआ है, इस वजह से ये जीरो का मल्टीप्लाई कर दे रहा है जिसके वजह से ये जीरो आ रहा है, तो हमें यहां सेल रेफरेंस को समझना होगा, गूगल शीट में भी सेल रेफरेंस होते हैं, तो इसको सही करने के लिए हम सेल रेफरेंस का यूज करेंगे, और वो मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज करेंगे, हम इस 14 को फ्रिज कर देंगे, कैसे फ्रिज करेंगे, यहां पे रखेंगे कर्सर को और यहां से करेंगे डॉट, ठीक है, और यहां 14 को हमें फ्रिज करना था, एक बार फिर से करके देखते हैं, तो यहां देखिए हमारा आंसर आ चुका है, और इसको अब हम ड्रैग करवाते हैं नीचे की तरफ, तो ये देखिए सारा आंसर हमारा आ चुका है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉइज हैं इनकी सैलरी को हम घटा बढ़ा के देखते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी एम्प्लॉई की सैलरी 14000 हो